हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज आउट ऑफ यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्मी जीटी का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है मेरे पास, जिसके 30 क्वेश्चंस मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, तो देखते हैं आप इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है कमेंट बॉक्स के अंदर, पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर दो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दो क्या पूछा गया आप लोगों से, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 23 मार्च या 30 जनवरी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछा गया, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, जल्दी से बताइए अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1761 में, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर, नागपुर, नासिक, मुंबई या नई दिल्ली। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, नासिक में छपते हैं, ठीक है। भारतीय नगद मुद्रा के नोट नासिक में छपते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है, लेडी विद द लैंप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर छः की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछा गया, काफ़ी बार मैंने इसको कवर करवा दिया है क्वेश्चन को, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था, अकबर, हुमायूं, बाबर या शाहजहां। तो इसका सही जवाब बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था, अकबर द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर सात की तरफ बढ़ते हैं, सात नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है, किस स्थान को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, चीन, अलास्का, अरुणाचल प्रदेश या तिब्बत। तो इसका सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या हो जाएगा, तिब्बत को कहा जाता है, यानी विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछा गया आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है, नर्मदा, गोदावरी, महानदी या सोन। जल्दी से बताइए अपना सही जवाब, क्या हो जाएगा, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले ही वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में मैंने इसको कवर करवाया था, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन साहब सभी के सामने, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या राज्यपाल। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन थे। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसका जो है वो लेखक कौन है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लिखी थी ये पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आपको याद रखना है और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। जल्दी से बताइए अपना सही जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 वर्ष, ठीक है। भारत में लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष के बाद कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर बता दीजिए, ब्लैक पर्ल जो है वो किसे कहकर पुकारते हैं या संबोधित किया जाता है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बता दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, पेले, ठीक है। पेले को ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा या फिर राज्यसभा। तो अपना राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या हो जाएगा, राज्यसभा कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया आप लोगों से, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा,
राजा राम मोहन राय, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया आप लोगों से, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर, बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ या दिल्ली, जल्दी से बताइए अपना कमेंट बॉक्स के अंदर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ये साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, रक्त की मात्रा बतानी है आपको कितने प्रतिशत होती है मनुष्य के शरीर के अंदर। ऑप्शन आप सभी के सामने, 1%, 7%, 14% या 90%, तो इसका सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। मनुष्य शरीर के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है, 7% होती है, 7% जो है वो मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछा गया आप लोगों से, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर बता दीजिए आराम से सोच के, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण जो है वो पाया जाता है या किया जाता है, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर टाइप कर दीजिए, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर के अंदर किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर वाट कितने होते हैं, ठीक है, 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं, 846, 546, 646 या 746, तो इसका सही जवाब बता दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 746, 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण मानी किस कलर के अंदर, किस कलर के प्रकाश के अंदर अधिकतम होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण है कौन से प्रकाश के अंदर जो है वो अधिकतम होता है, नीले प्रकाश के अंदर, हरे प्रकाश के अंदर, श्वेत प्रकाश के अंदर या लाल प्रकाश के अंदर, तो इसका सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल प्रकाश के अंदर, प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया आप लोगों से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग आपको बताना है, त्वचा, फेफड़ा, हृदय या गुर्दा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा, ठीक है, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछा गया आप लोगों से, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, ये वीडियो कल वाले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को मैंने कवर किया था, डेंगू, मलेरिया, रेबीज या हेजा, तो इसका आपका गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही आंसर जो है वो बताना है आपको, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, रेबीज, और रेबीज को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, पाचन के पश्चात प्रोटीन जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है आपको बताना है, ऑप्शन आप सभी के सामने है, सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा या एमिनो एसिड, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है, पाचन के पश्चात प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछा गया आप लोगों से, जीवन की मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ऑप्शन आप सभी के सामने, काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा ही, ऊतक, अंग, कोशिका या कोशिकांग, तो इसका सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जीवन की मूलभूत इकाई है तो क्या है, कोशिका, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या प्रोटीन, सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों से क्या पूछा गया है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण या द्रव्यमान, तो इसका सही जवाब बता दीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है, काफी बार मैंने इसको कवर भी करवा दिया है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता दीजिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया आप लोगों से, मछली जो है किससे सांस लेती है, किसके द्वारा सांस लेती है, त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा या आंख के द्वारा, तो राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, काफी बार मैंने इस क्वेश्चन को कवर करवाया आप लोगों को, गलफड़ों के द्वारा, ठीक है, मछली जो है वो गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया, आवर्ती का मात्रक है, आवर्ती का मात्रक क्या है, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर, मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन मीटर या फिर सेकेंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, आवर्ती का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण है मनुष्य के रक्त का रंग जो है वो या खून का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछा गया आप लोगों से, निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय धातु है, निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय धातु है, लोहा,
टिन, निकल या कोबाल्ट, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। टिन जो है वो अचुंबकीय धातु है। क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि इनमें उनमें होता है कम दाब, कम चिपचिपापन, कम ताप या कम घनत्व है। सही जवाब बताना है, किसके कारण जो है वो बादल वातावरण में तैरते हैं, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कम घनत्व के कारण बादल जो है वो तैरते हैं वातावरण के अंदर। तो कैसा लगा ये लाइव टेस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा और जरूर से इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।